आज मैं हूं आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल सी होम रेमेडी शेयर कर रही हूं और ये होम रेमेडी आपके पिंपल्स को जड़ से खत्म कर देगी। दोस्तों कैसे भी आपके चेहरे पे मुहासे हैं, कैसे भी दाग धब्बे हैं, ये होम रेमेडी कारगर है और इस होम रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसे बनाना बहुत ही ईजी है और इसमें केवल दो ही सामान का इस्तेमाल किया गया है, दो ही सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो सामान है, ये जो होम रेमेडी है, इसमें जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही आसानी से आपके घर में मिल सकती है। और दोस्तों आपके चेहरे के हर दाग धब्बे को, हर पिंपल्स को ये जड़ से खत्म कर सकती है। दोस्तों इस होम रेमेडी का इस्तेमाल मैं खुद करती हूँ और इसीलिए मुझे लगा कि आज आपके साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके चेहरे पर रौनक नहीं है, निखार भी नहीं है, तो इस होम रेमेडी को यूज करने के बाद आपका चेहरा बहुत ही क्लीन हो जाएगा और आपके चेहरे पर एक ग्लो भी होगा। दोस्तों आप मेरा फेस देख सकते हो, इस वक्त मैंने अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, केवल ये टीका देख सकते हो क्योंकि आज थर्सडे है, आज बृहस्पतिवार है और आज के दिन मैं भगवान बृहस्पति की पूजा करती हूँ और पूजा करने के बाद पीला चंदन लगाया जाता है और मैंने पूजा करने के बाद ये चंदन अपने माथे पे अप्लाई किया है, लगाया हुआ है और साथ ही थोड़ी सी बस लिपस्टिक लगाई है। इसके अलावा मैंने फेस पर कुछ भी नहीं अप्लाई किया है और फिर भी देख सकते हो मेरे चेहरे पे एक छोटा सा ग्लो है मेरे फेस पर। तो दोस्तों ये जो होम रेमेडी है, ये ग्लो आपके फेस पे भी बना रहेगा अगर आप हफ्ते में एक बार इसका यूज करते हैं और सबसे बड़ी आपके चेहरे पे जो पिंपल्स है वो जड़ से खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों इस होम रेमेडी को मैं लगाने वाली हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक छोटा सा पिंपल आ चुका है और जिसे मुझे खत्म करना है। तो मैंने सोचा इस होम रेमेडी को मैं अप्लाई करूँ और अप्लाई करके आपको भी दिखाऊँ कि इसका फ़र्क, इसका इफेक्ट क्या होता है। दोस्तों इस होम रेमेडी में जिन दो चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है वो है हल्दी और एलोवेरा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते हो हेल्दी और एलोवेरा हमारी स्किन के लिए कितना अधिक फायदेमंद है। जी हाँ दोस्तों, स्किन से जुड़ी सारी समस्याएं ये हल कर सकती है। दोस्तों अगर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर कोई दाना आ जाए, यहाँ तक कि फोड़े भी आ जाए, फोड़े फुंसी हो जाए, तब भी हल्दी बहुत ही इफेक्टिव होती है उनके लिए। वहाँ पर हल्दी का पेस्ट बना के लगाया जाता है तो जो पिंपल्स होते हैं अगर वहाँ पर हल्दी अप्लाई की जाए तो पिंपल्स भी जड़ से ख़त्म हो सकते हैं क्योंकि हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है और जो कील मुहासे दाग धब्बे हैं और उन्हें ये जड़ से ख़त्म करती है। और दोस्तों ये जो एलोवेरा जेल है वो हमारी चेहरे को स्मूथ बनाता है, साथ ही पिंपल से जुड़ी प्रॉब्लम हो, चेहरे पे निखार ना हो, चेहरे पे अजीब सा खुरदरापन हो और स्किन बहुत सी अजीब सी हो जाती है, कभी कभार छूने में बहुत अजीब लगती है और एक चिड़चिड़ाहट सी होती है हमारी स्किन की, दाग धब्बे होते हैं, उन सभी को एलोवेरा जेल ख़त्म करता है। दोस्तों यहाँ पर मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया है, अगर आपके पास प्लांट वाला एलोवेरा जेल है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बस आपको दो चुटकी आपको हल्दी लेनी है, केवल दो चुटकी आपको हल्दी लेनी है और इस एलोवेरा जेल के साथ इसे मैश करना है कुछ ऐसे। बस आधा चम्मच आप एलोवेरा जेल ले लें, आप उतना एलोवेरा जेल और हल्दी लें जितना आपके फेस पे अप्लाई हो, ठीक है। और फिर मैंने अभी बाल ओपन कर रखे हैं तो मैं इसे पीछे बांध लेती हूँ। हल्दी और एलोवेरा को अच्छे से हमें मैश करना है, मैं एक ब्रश से इसे मैश कर रही हूँ, अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप उंगलियों से भी मैश कर सकते हैं। बस दोस्तों ये होम रेमेडी तैयार होगी कितनी इजी से, कुछ ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है कुछ ऐसे। अगर आप कोई भी फेस पैक ऐसे बना नहीं पाते हो, हफ्ते में एक भी दिन नहीं लगा पाते हो, तो आप इस हेल्दी और एलोवेरा जेल का जो फेस पैक है अगर आप इसे यूज भी करते हो ना, केवल और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस फेस पे ही अगर इसको यूज करते हो तो आपकी स्किन रिलेटिव सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों ये एक जादुई फेस पैक है। बस दोस्तों मैंने हेल्दी और एलोवेरा जेल अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। दोस्तों हो सकता है इसको यूज करने के बाद आपका जो चेहरे की स्किन है वो पीली हो जाए। जी हाँ दोस्तों, इसको लगाने के बाद अगर इसे काफ़ी टाइम तक लगाए रहते हैं तो हमारी स्किन जो है वो पीली हो जाती है, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है, सिर्फ घंटा दो घंटा या एक दिन की बात है, उसके बाद जो स्किन है वो अपने कलर में आ जाएगी, जबकि वो पीलापन होगा वो जब साफ होगा ना तो हमारी स्किन को और निखारेगा। जी हाँ दोस्तों, आप इसको लगाते हैं, आप सभी को पता है हल्दी हमारी स्किन के लिए कितनी ज़्यादा अच्छी है और एलोवेरा जेल भी, इसकी तारीफ जितनी कम करूं
शायद शब्द ही नहीं है इनकी तारीफ में, क्योंकि बहुत दिन से आयुर्वेद में और नॉर्मली घरेलू नुस्खे में इनका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसे अच्छे से अप्लाई कर दीजिए और 5 मिनट बाद अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए। आप जब चेहरा वॉश करेंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि आप अपने चेहरे को केवल ठंडे पानी से धुलेंगे। अगर आप ठंडे पानी से नहीं धुलते हैं, गर्म पानी का उपयोग करते हैं, तो आपको चेहरे से जुड़ी सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। या दोस्तों जो गर्म पानी होता है, जो हमारे स्किन का नेचुरल ऑयल होता है, जो प्राकृतिक तेल होता है, उसे निकाल देता है और साथ ही पिंपल्स की जो प्रॉब्लम है उसे बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा हमारे चेहरे को ठंडे पानी से ही वॉश करना चाहिए। दोस्तों 5 मिनट बाद मैं आपको अपना फेस क्लीन करके दिखाती हूँ। दोस्तों अगर आपके फेस पे कोई भी समस्या है तो इस होम रेमेडी को लगातार यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, केवल 1 हफ्ते लगातार यूज करना है। अब अगर आपके चेहरे पे 2-4 मुहासे ही होंगे तो वो 1-2 दिन में ख़त्म कर देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर मुहासे हैं आपके फेस में तो लगातार आपको 1 हफ्ते इस होम रेमेडी का इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस होम रेमेडी को आप हफ्ते में 1 बार भी यूज कर सकते हो। अगर आप अपने चेहरे पे निखार चाहते हो या फिर चाहते हो कि आपके दाग धब्बे झुर्रियाँ खत्म हो जाए, तो हफ्ते में 1 बार इस होम रेमेडी को जरूर यूज करिए। दोस्तों कोई और फेस पैक लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप हल्दी और एलोवेरा जल का इस फेस पैक का इस्तेमाल करिए, फिर देखिए आपके चेहरे पे कितना अच्छा निखार आता है। दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं तो चलिए मैं इसे वॉश। दोस्तों मैं कैमरा इस तरह पकड़ के आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं मैंने वॉश कर लिया और वॉश के बाद एक पीलापन मेरे चेहरे पे है। ये हल्दी का पीलापन है जो बहुत जल्द ही निकल जाएगा। दोस्तों इसको यूज करने के बाद ही आप देख सकते हो, बस मैंने कुछ भी साबुन कोई भी फेस वॉश यूज़ नहीं किया, बस ठंडे पानी से वॉश कर लिया और आप एक ग्लो मेरे चेहरे पे देख सकते हैं। दोस्तों यही निखार आपके चेहरे पे भी हो सकता है अगर इस होम रेमेडी का आप यूज करेंगे। दोस्तों कुछ और लगाने की जरूरत नहीं, बस आप इसको यूज करो, 1 हफ्ते में कोई भी प्रॉब्लम आपके फेस पर नहीं होगी और आपके चेहरे पे एक निखार भी रहेगा। तो दोस्तों आई होप कि ये जो मेरी होम रेमेडी आपको अच्छी लगे, अगर ये होम रेमेडी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों इस होम रेमेडी को यूज करने के बाद आपको क्या रिजल्ट हुआ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हेल्थ और ब्यूटी से जुड़ी कोई भी समस्याएं हैं तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आई होप कि ये जो वीडियो है पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो यूजफुल लगा आपको तो अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ जरूर शेयर करेगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर है का बटन है सब्सक्राइब का, उसे क्लिक करके ग्रे कर दीजिए और बगल में लगी घंटी बजा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।